कैंसर जैसी घातक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज विदेशी दवा कंपनी नोवार्टिस को पेटेंट देने से इनकार कर दिया, यानी भारतीय जेनेरिक दवाएं बिकती रहेंगी, जो असर में तो उतनी ही कारगर हैं, लेकिन कीमत में 12 गुना से ज्यादा सस्ती है। सुप्रीम कोर्ट से आई खुशखबरी, पेटेंट के नाम पर लूट पर लगा, विदेशी दवा कंपनियों पर हथौड़ा। घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों और उनके परिजनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कैंसर की दवा बनाने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस एजी की याचिका खारिज कर दी है और कैंसर की दवा ग्लिवेक पर दोबारा पेटेंट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेज दैट व्हिचएवर स्टैंडर्ड यू अडॉप्ट टू इंटरप्रेट सेक्शन 3D, नोवार्टिस प्रोडक्ट ग्लिवेक डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट फॉर पेटेंट इन इंडिया। दरअसल कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनी नोवार्टिस एजी ने 2006 में अपनी दवा को दोबारा पेटेंट करने के लिए याचिका दाखिल की थी और दावा किया था कि नई दवा पहले से बेहतर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेटेंट पर कानून 3D की व्याख्या करते हुए अपने फैसले में कहा है कि अगर कोई मौलिक खोज है तो उसका पेटेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके संशोधित संस्करण का पेटेंट नहीं किया जा सकता। By protecting generic competition and abusive practices of pharma companies like Novartis, I think the Supreme Court has safeguarded the rights of patients across the developing world. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पश्चिमी देशों की मनमानी पर रोक लगेगी, दवाएं सस्ती होंगी और इलाज सस्ता होगा। भारतीय कंपनियां जेनेरिक दवाएं बेच सकेंगी, जो 130 अरब रुपए से ज्यादा का कारोबार है। गरीब मुल्कों तक भी जीवन रक्षक दवाएं पहुंचेंगी। फायदे का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि नोवार्टिस की कैंसर की जिस दवा के इस्तेमाल पर हर महीने करीब 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, उसके भारतीय वर्जन पर लागत 10,000 रुपए से भी कम आती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर बहुआयामी होगा। अव्वल तो ये कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के महंगे इलाज को काबू करने में आसानी होगी, वहीं दवा बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मनमानेपन यानी एकाधिकारवाद या फिर कहें तो मोनोपोली को लगाम लगाने में भी सरकार को मदद मिलेगी। कैमरामैन संजय खान के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।